नमस्कार, स्वागत है आपका ईएन हिंदी पर। आज है 20 जून 2022 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए जुड़े चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। ओबीसी आरक्षण पर ओबीसी ने दो टूक चेतावनी दी है, क्या खबर है, पूरी जानकारी अपडेट हम आपको इस पर देने वाले हैं। सेना भर्ती अग्निपथ का विरोध कर रहे युवाओं को आर्मी ने बड़ी चेतावनी दी है, क्या खबर है, पूरी जानकारी विस्तार से हम आपको इस पर भी देने वाले हैं। 3 छात्रवृत्ति योजनाओं को हिमाचल शिक्षा विभाग ने बंद कर दिया है, कौन सी योजना है और क्या खबर है, इस पर पूरी जानकारी अपडेट हम आपको देने वाले हैं। डिपो के 27 सैंपल फेल हो गए, डिपो में जो राशन हिमाचल प्रदेश के लोगों को दिया जाता है उसके 27 सैंपल फेल हो गए। मौसम विभाग ने हिमाचल में येलो अलर्ट जारी किया है, क्या खबर है, इस पर भी जानकारी हम आपको देंगे। साथ में शिक्षा नीति और नर्सरी ट्रेन टीचर ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से भेंट की है, क्या खबर है और क्या उन्होंने मांग की है, पूरी जानकारी अपडेट हम आपको इस पर भी देने वाले हैं। तो हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और YouTube पर आप हमारे चैनल बोलता हिमाचल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को लाइक करना आप ना भूलें। आप हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले से संबंधित है, अपने जिले का नाम आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएगा। पेश है आज की सबसे बड़ी खबर है, राशन डिपो के 57 सैंपल फेल, प्रदेश में खाद्य आपूर्ति विभाग ने वसूला 6.5 लाख रुपए जुर्माना। हिमाचल प्रदेश में खाद्य आपूर्ति विभाग द्वारा डिपो में दिए जाने वाले राशन की गुणवत्ता का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। खाद्य आपूर्ति विभाग द्वारा समय समय पर प्रदेश के राशन डिपो और राशन के गोदामों से खाद्य आपूर्ति की जांच के लिए सैंपल भरे जा रहे हैं। खाद्य वस्तुओं की गुणवत्ता को लेकर खाद्य आपूर्ति विभाग सख्त रुख अपना रहा है। खाद्य आपूर्ति विभाग ने अप्रैल 2021 से लेकर मार्च 2022 तक एक वर्ष में प्रदेश के राशन डिपो और गोदामों से करीब 1824 खाद्य पदार्थों के सैंपल जांचे हैं। खाद्य आपूर्ति विभाग की लैब में जांच करने पर विभिन्न खाद्य वस्तु के 57 सैंपल फेल पाए गए हैं, जबकि 1767 सैंपल जांच में पास हुए हैं। खाद्य वस्तु के सैंपल फेल होने पर विभाग ने करीब 6.5 लाख रुपए जुर्माने के रूप में वसूले हैं। हिमाचल में 3 पुरानी छात्रवृत्ति योजनाएं बंद, शिक्षा विभाग ने नई स्कीम में मर्ज करने का लिया फैसला। प्रदेश के स्कूलों में विभिन्न योजनाओं के तहत चल रही स्कॉलरशिप स्कीम को बंद कर नई योजनाओं में मर्ज करने का फैसला लिया है, यानी प्रदेश में चल रही 3 पुरानी स्कॉलरशिप स्कीम बंद होगी। इसमें कन्या उपस्थिति छात्रवृत्ति योजना, निर्धता छात्रवृत्ति योजना व प्री मैट्रिक अनुसूचित जाति योजना बंद की जाएगी। इन्हें अब नई योजना IRDP छात्रवृत्ति और सशस्त्र सैनिकों के आश्रितों को दी जाने वाली स्कॉलरशिप स्कीम में मर्ज किया जाएगा। इस सत्र में छात्रों को ये स्कॉलरशिप मिलेगी। इस बारे में शिक्षा विभाग की ओर से सभी स्कूलों को निर्देश जारी किए गए कि जिन स्कूलों में भी ये योजनाएं चल रही है उन्हें बंद किया जाए। इसके साथ छात्रों का भी डाटा मांगा गया है कि कितने छात्र इस योजना के अंतर्गत आते हैं। सभी स्कीम का पैसा छात्रों के बैंक खातों में आएगा। इसके लिए अब बिचौलिया का काम भी खत्म कर दिया गया है। गौर है कि प्रदेश के स्कूलों में पहली से 8वीं कक्षा में पढ़ने वाले विभिन्न वर्गों के छात्रों के लिए कई स्कॉलरशिप स्कीम चलाई जा रही है। औद्योगिक क्षेत्र के निर्माण का रास्ता साफ, फॉरेस्ट क्लियरेंस के बाद बिलासपुर के बरसन में प्रक्रिया होगी शुरू। बिलासपुर जिले के झंडूता विधानसभा क्षेत्र में बरसन औद्योगिक क्षेत्र के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। बरसन में चिन्हित 2.77 हेक्टेयर जमीन की फॉरेस्ट क्लियरेंस की स्वीकृति मिल गई है। वन और पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार के दिशा निर्देश अनुसार उद्योग विभाग ने वन विभाग के पास 37 लाख रुपए की राशि जमा करवा दी थी। तय औपचारिकताएं पूरी होने के बाद अगले 15 दिनों में इस औद्योगिक क्षेत्र का शिलान्यास करवाए जाने की तैयारी है। जानकारी के मुताबिक पिछले कई वर्षों से कागजों में बन रहे औद्योगिक क्षेत्र बरसन के धरातल में बनने का सपना साकार होने वाला है। वेदर अपडेट, बारिश से पहाड़ों के तपते मैदानों में ठंडक, आज भी बरसेगा अंबर, जारी रहेगा येलो अलर्ट। प्री मानसून की बारिशों ने जहां पहाड़ों की ठंडक बढ़ा दी है, वहीं तपते मैदानों में भी राहत दिलाई है। प्रदेश में प्री मानसून की बारिश ने लोगों को भीषण गर्मी से राहत दिलाई है। पिछले 2-3 दिनों से हो रही बारिश की वजह से तापमान करीब 11 डिग्री नीचे लुढ़ गया है। 3 दिन पहले जहां ऊना का अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस था, वहीं बीते शनिवार को ये गिरकर 33.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। शिमला का भी अधिकतम तापमान 29 डिग्री से गिरकर 22 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। वहीं पर्वतीय पर्यटन स्थल शिमला, कुफरी व मनाली में हल्की ठंड महसूस की जा रही है। मौसम विभाग द्वारा जारी किए गए येलो अलर्ट के तहत आज भी ये जारी रहेगा, जिससे आज भी किन्नौर व लाहौल स्पीति जिला को छोड़कर अन्य सभी जिलों में जारी येलो अलर्ट के तहत फलदार पौधों को क्षति, यातायात अवरोध, बिजली आपूर्ति में बाधा, देश यात्रा में भी कमी आने की संभावना है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का वर्चुअल संबोधन, कहा हिमाचल प्रदेश में निवेश को बेहतरीन माहौल।
सरकार की योजनाओं और कार्यक्रमों की सफलता के लिए उनकी जानकारी जनता तक पहुंचाना नितांत आवश्यक है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने ये बात बद्दी के किशनपुरा स्थित होटल ली मैरियट में आयोजित जन भागीदारी से सुशासन हिमाचल का महाक्विज के उद्योग और निवेश विषय पर आधारित दूसरे राउंड के समापन समारोह को वर्चुअल माध्यम द्वारा संबोधित करते हुए कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने जन कल्याणकारी योजनाओं व कार्यक्रमों की जानकारी आम जन तक पहुंचाने के लिए महाक्विज के आयोजन की अनूठी पहल की है। इसके अंतर्गत हिमाचल प्रदेश में पहली बार केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं पर आधारित ऑनलाइन प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि महाक्विज में प्रतिभागी भारी संख्या में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रही है। अभी तक इसमें लगभग 40,000 प्रतिभागी हिस्सा ले चुके हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से नर्सरी ट्रेन टीचर एसोसिएशन के प्रतिनिधि मंडल ने की भेंट। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से ओक ओवर शिमला में नर्सरी ट्रेन टीचर एसोसिएशन के एक प्रतिनिधि मंडल ने भारतीय जनता मजदूर संघ के महामंत्री बीर सिंह भारद्वाज के नेतृत्व में भेंट की है। प्रतिनिधि मंडल ने उन्हें अपनी विभिन्न मांगों के बारे में अवगत करवाया है। मुख्यमंत्री ने उनकी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति से नए भारत का निर्माण, देहरिया में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का लाभार्थियों से संवाद। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि भारत सरकार द्वारा लाई गई राष्ट्रीय शिक्षा नीति देश के पुनर्निर्माण में मेल का पत्र साबित होगी। उन्होंने कहा कि भारत के विद्यार्थियों को शिक्षा, ज्ञान, परंपरा एवं कला के साथ साथ तकनीक व कौशल विकास में निपुण बनाने की दृष्टि से राष्ट्रीय शिक्षा नीति को सरकार द्वारा लाया गया है। केंद्रीय मंत्री ज्वालामुखी विधानसभा क्षेत्र के देहरिया में लाभार्थियों से संवाद कार्यक्रम में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि गत 8 वर्षों के कार्यकाल में केंद्र सरकार ने अनेक कार्यक्रम तथा कल्याणकारी योजनाएं आरंभ की है, जिससे प्रत्येक वर्ग के जीवन में सुधार हुआ है। उन्होंने कहा कि विभिन्न योजनाओं के तहत लाभार्थियों को धनराशि सीधे उनके खातों में हस्तांतरित हो रही है। 27% आरक्षण की करे घोषणा सरकार को दो टूक, ओबीसी वर्ग को देर रात वरना चुनावों में करेंगे बहिष्कार। ओबीसी को चुनाव से पहले सरकार 27% आरक्षण देने की घोषणा करे, नहीं तो विधानसभा चुनाव में बीजेपी का बहिष्कार होगा। ये निर्णय रविवार को हिमाचल अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण मंडल की राज्य स्तरीय बैठक में लिया गया है। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुजीत ठाकुर बोले, केंद्र की अग्निपथ योजना देश की सुरक्षा व युवाओं से खिलवाड़। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुजीत सिंह ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना देश की सुरक्षा से खिलवाड़ और युवाओं से धोखा है। मोदी सरकार देश का कोयला, LIC, बैंक, सड़कें, बिजली, एयरपोर्ट, बंदरगाह के बाद अब सेना का निजीकरण करने जा रही है। युवाओं के भविष्य को बर्बाद करने के लिए केंद्र सरकार अग्निपथ योजना लाई है। आम आदमी पार्टी सोमवार को इस योजना के विरोध में राज्यपाल को ज्ञापन सौंपेगी। खबर हिमाचल हाईकोर्ट से, जस्टिस अमजद ए सईद बने हिमाचल के मुख्य न्यायाधीश। हिमाचल प्रदेश समेत देश के 6 उच्च न्यायालयों को रविवार को उनका मुख्य न्यायाधीश मिल गया है। बॉम्बे हाईकोर्ट के जस्टिस अमजद ए सईद को हिमाचल प्रदेश का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। विधि मंत्रालय की ओर से ट्वीट कर इसकी जानकारी दी गई है। 5 न्यायाधीशों को प्रोन्नत कर मुख्य न्यायाधीश बनाया गया, जबकि तेलंगाना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा को स्थानांतरित कर दिल्ली हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम ने पिछले महीनों में इनके नाम की अनुशंसा की थी। वापिस नहीं होगी अग्निपथ योजना, आंदोलनकारियों के लिए सेनाओं में जगह नहीं। सेना, 3 सेनाओं की ओर से आज ये स्पष्ट किया गया कि अग्निपथ योजना का उद्देश्य सेनाओं को युवा एवं अधिक ताकतवर बनाना है और इस योजना को वापिस नहीं लिया जाएगा तथा इसके विरोध में हिंसक प्रदर्शन करने वाले युवाओं को सेनाओं में भर्ती नहीं किया जाएगा। अग्निपथ योजना के विरोध में देश भर में हो रहे उग्र और हिंसक आंदोलनों के मद्देनजर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के निवास पर 3 सेनाओं के प्रमुखों की मौजूदगी में रविवार को महत्वपूर्ण बैठक के बाद सैन्य मामलों के विभाग में अतिरिक्त सचिव लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी और 3 सेनाओं के वरिष्ठ अधिकारियों ने एक संवाददाता सम्मेलन में जानकारी दी है। लेफ्टिनेंट पुरी ने एक सवाल के जवाब में कहा कि अग्निपथ योजना विदेशों में प्रचलित विभिन्न मॉडलों का अध्ययन करने के बाद लाई गई और भारत में इस तरह की योजना के बारे में सबसे पहले 1999 में बातचीत शुरू हुई थी। उन्होंने कहा कि इसके बाद से इस तरह की योजनाओं को शुरू करने की निरंतर कोशिश की जा रही थी, लेकिन इसमें अब जाकर सफलता मिली है। खबर, उच्च शिक्षा निदेशालय से 6 जिलों के 8 स्कूल प्रिंसिपलों के खिलाफ होगी अनुशासनात्मक कार्यवाही। हिमाचल प्रदेश के 6 जिलों के 8 प्रिंसिपलों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। SERT सोलन के 6 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में चयन होने के बाद भी शामिल नहीं होने पर इन प्रिंसिपलों के खिलाफ सख्त फैसला लिया गया है। बिलासपुर, शिमला, सोलन, किन्नौर, ऊना और सिरमौर के प्रिंसिपलों पर शिकंजा कसते हुए उच्च शिक्षा विभाग ने इन प्रिंसिपलों के सर्विस रिपोर्ट में कार्यवाही का उल्लेख करने के निर्देश भी दिए हैं।
खबर हिमाचल भाजपा से, परिवार मिलन से भाजपा के वोट पक्के करेंगे कार्यकर्ता। प्रदेश भाजपा परिवार मिलन अभियान से अपने वोट पक्के करेगी। हर कार्यकर्ता अपने आसपास के घरों में चार परिवारों के लोगों से मिलेगा और सरकार की योजनाओं को बताएगा। भाजपा के प्रदेश सह प्रभारी संजय टंडन ने रविवार को मीडिया से बातचीत में कहा कि रामपुर विधानसभा क्षेत्र में पार्टी के 10,000 कार्यकर्ता सभी अपने आसपास के घरों में चार परिवारों से मिलेंगे। उन्होंने दावा किया कि रामपुर से इस बार भाजपा का विधायक होगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में घपले ही घपले दिखते हैं। जब से नरेंद्र मोदी की सरकार बनी तब से योजनाएं बनी है, देश में कई बदलाव देखने को मिल रही है। अटल टनल 10,000 फीट की ऊंचाई पर एक साथ योग करेंगे जवान और लोग। सफेद रंग की टी शर्ट और नीले या काले रंग का लोअर पहनकर मंगलवार को सैकड़ों लोग 10,000 फीट की ऊंचाई पर एक साथ योग करेंगे। अटल टनल रोहतांग के नोट पोर्टल पर 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर हो रहे इस आयोजन में सेना, ITBP, NDRF, अटल बिहारी पर्वतारोहण संस्थान, सीमा सड़क संगठन के जवान भी शामिल होंगे। उपायुक्त आशुतोष गर्ग ने बताया कि योग क्रियाएं सुबह 6 बजे से शुरू हो जाएगी। इसके लिए नॉर्थ पोर्टल के पार्किंग स्थल पर दरी बिछाई जाएगी, हल्के जलपान और पानी की व्यवस्था होगी। उन्होंने बताया कि 400 से 500 लोग एक साथ योग क्रियाएं करेंगे। आम आदमी पार्टी ने नाहन में निकाली प्रधानमंत्री की शव यात्रा, पुतला फूंका। अग्निपथ भर्ती योजना के विरोध में देश भर में बवाल के माहौल के बीच युवाओं में आक्रोश बढ़ रहा है। राजनीतिक दल भी इस मुद्दे को खूब बुना रहे हैं। रविवार को आम आदमी पार्टी ने सैकड़ों युवाओं के साथ जिला मुख्यालय नाहन में अग्निपथ योजना का जोरदार तरीके से विरोध किया है। आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष मनीष ठाकुर के नेतृत्व में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपायुक्त कार्यालय तक शव यात्रा निकाली। दिल्ली गेट पार्किंग से झंडे बैनर तख्तियां लेकर कार्यकर्ता निकले और चौगान नया बाजार शहीद स्मारक से होते उपायुक्त कार्यालय तक पहुंचे। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। भर्ती दो या आरती दो युवा विरोधी, मोदी। युवा अपना हक मांगता है, नहीं किसी से भीख मांगता है। सेना में राजनीति नहीं चलेगी, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद जैसे नारे भी लगाए गए। उपायुक्त कार्यालय के गेट के बाहर पहुंचकर प्रधानमंत्री का पुतला फूंका गया। इस मौके पर आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष मनीष ठाकुर ने अग्निपथ भर्ती योजना की कड़े शब्दों में निंदा की है।